वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली द्वारा चलाया जा रहा निशुल्क नेत्र जांच व उपचार शिविर ने 40वें दिन में प्रवेश किया। पूरे हलके का एक बड़ा कैंप लगाने पर भी हो रहा है विचार। बुजुर्ग सम्मान दिवस मनाने के दौरान सामने आई समस्या की टोहाना में आंखों के रोग बड़ी मात्रा में है, इसलिए विचार कर चलाया जा रहा है ये बड़ा अभियान। अब तक 40 विभिन्न स्थानों पर लगाया जा चुका है निःशुल्क नेत्र जाँच व उपचार शिविर। सैकड़ों की इस संख्या में क्षेत्रवासी ले रहे हैं लाभ। जब बुजुर्ग सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा था तो सुनने में आया कि इलाके में आंखों की बीमारी की काफी समस्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निशुल्क आंखों के जांच शिविर व उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और ये कहना था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली का। वो टोहाना में उनकी संस्था के द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र जाँच व उपचार शिविर के दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में टोहाना वासियों ने शिरकत कर इसका लाभ लिया। मंच के माध्यम से देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि ये उनका कैंप लगातार 40 दिन में प्रवेश कर गया है। उनका ये कैंप आयोजित करने का मकसद आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जिसको लेकर वह उनके साथ ही लगातार सक्रिय हैं। इस दौरान कैंप में बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं ने भी अपनी आंखों की जाँच करवाई। मौके पर ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा आंखों की दवाइयों व चश्मे को निःशुल्क वितरित किया गया। मंच से संबोधन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य है हर व्यक्ति को इस कैंप का लाभ मिले, इसलिए पूरे हलके में इस कैंप को चलाने के बाद एक बड़ा कैंप आयोजित किया जाएगा। आप सबके बीच में आज आपकी सेवा के लिए हमारे पूरे संगठन साथी पहुंचे हैं। हमारे साथियों ने 2 तारीख से इस कैंप की शुरुआत की थी, 2 अगस्त से, और आज 10 तारीख हो गई। लगातार करीबन 40 दिन से लगातार ये सेवा हल्के में जारी है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमने जब बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए पूरे टोहाना का क्या घर घर जाके बुजुर्गों को सम्मानित करने के जब फार्म भरने में लगे हुए थे, तो साथियों की एक आवाज आई कि आंखों की हल्के में बहुत बड़ी समस्या है। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तो 50,000 से ज्यादा बुजुर्गों को सम्मानित करने का, और आज आपको जान के खुशी होगी कि इस कैंप से करीबन करीबन 25,000 के आसपास लोग लाभ उठाएंगे। ये अपने आप में पूरे हरियाणा में एक इतिहास है। कोई भी गांव, अब अभी मैं जाडली गांव में था, जाडली खुर्द में, हम वहां कैंप लगा के आए, जिनको चश्मे की दवाइयों की जरूरत थी वो दी गए। अब दोबारा से जब मैं गांव में गया, बोले जी हमारे 8-10 बुजुर्गों के वो छूट गए, उनको ये नहीं पता था कि 1.5 दिन के लिए आएंगे, वैसे थोड़ी फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, और सब जगह जाकर ये जो फ्री चेकअप कैंप है लगाए जाएंगे। मैंने उनको आश्वासन दिया, मगर जो पूरे हल्के में बच जाएंगे उनका एक बड़ा कैंप हम टोहाना में आयोजित करेंगे, उसमें डॉक्टर साहब, उसमें हम दोबारा से अगर कोई छूट भी जाता है, कहीं गाँव में गया हुआ था या उनके पास कोई खबर नहीं किसी रूप में पहुंच पाई, तो उनका भी हम इलाज कराने का काम करेंगे। मैं सबसे ज्यादा तो इस काम में अपने साथियों का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि छोटा मिशन नहीं है। आदमी किसी चीज पूरे हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी इसकी चर्चा होती है कि ऐसे लोग हैं जो अपना कोई दिहाड़ी छोड़ के मेरे साथ काम करता है, कोई अपना दुकान छोड़ के करता है, कोई अपना व्यापार छोड़ के करता है, कोई अपनी नौकरी पे है वो नौकरी छोड़ के आता है, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि जो काम आज आप करने में लगे हुए हो, इसका जो पुण्य है वो उसमें भागीदार है सारे के सारे। मानव बल का सेवा करके थक थका के 10-15-20 माह जनरल निकले होंगे, कौन करेगा सेवा बताऊं मैं, करेगा कोई हरकत है? तो तकड़े से होके इनका घर घर जाओ, एक ही प्रचार करो भाई, छोरे के सिरपा दे रो, जो छोरे 10 साल तक लगातार झूठा गया पसीने पसीना हो रहे हैं, करोगे वो काम मेरे खाते में? और एक बात और सुन जाओ, तुझे सोचो भाई एमएलए बनने खाते सिरे पास वोट देकर चला जाएगा, ये तो मैंने सारी उम्र चाहिए कि तेरा आशीर्वाद मिलता रिपोर्ट की, एक बार बनाओ तेरा काम है, एक बार बनाओ, उसको बनाने के बाद ये तो सेवा करते कर लगे। का नेता कैसा होना चाहिए? देवेंद्र सिंह बबली जैसा हो। देवेंद्र सिंह बबली में क्या आंखों का चेकअप करवा रहे हैं, बच्चों की देखभाल करेंगे, आगे हमारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस बार अपना मत किसे देंगे? देवेंद्र सिंह बबली को। तो देवेंद्र बबली हर वक्त देते, जब आओ जब देते। देवेंद्र सिंह बबली क्या कार्य कर रहे हैं? सारे कुछ कर रहे हैं, सबके लिए अच्छे काम, सबके बता सारे अच्छे काम करते बेटे।
आपका ये कहना कि देवेंद्र सिंह बबली अच्छे नेता है? हाँ अच्छे नेता हैं, हम तो तीन चार सात उन्हें वोट देता के लिए किसी में जोर नहीं करते। हाँ अच्छे हैं, अच्छे कहना है। आप अपना नेता किसा चुनना चाहेंगे? देवेंद्र बबली जैसा। देवेंद्र बबली जी में क्या खूबियां हैं? क्या खूबी, सब गरीब आदमियों का साथ देते हैं, सबकी सुविधाएं सारी करते हैं, जो जरूरत हो वो पूरी करते हैं। तो देवेंद्र बबली जी ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिससे आप भावुक होकर देवेंद्र बबली जी को वोट देना चाहेंगे? हर गरीब आदमी का साथ देते हैं देवेंद्र बबली, इतना पता है हमें। तो यहाँ पर किस लिए पहुँचे हैं? हाँ जी, देवेंद्र बबली बहुत शान है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ये काम कर रहे हैं, आँखों भी कर रही हैं इनकी दिखाई है कि हमारे लिए बहुत अच्छे है, ये सभी काम अच्छे कर रहे हैं। वैसे जनता ने पहचान नहीं करी, इनकी पहचान करनी जरूरी है। आपका ये कहना है कि देवेंद्र सिंह बबली इस बार बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और इस बार उनकी जीत क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। आपका नेता कैसा होना चाहिए? देवेंद्र बबली जैसा ही होना चाहिए। देवेंद्र बबली जी में ऐसी क्या खूबी है? उन्होंने जैसे गरीबों के लिए बहुत ही कुछ किया है, जैसे कि आज उन्होंने गरीबों के लिए आँखों का कैंप वगैरह लगाया और बहुत सारी सेवाएं की हैं। तो इससे आपको क्या लगता है? देवेंद्र बबली जी की ही जीत है। तो इस बार आप अपना मत देवेंद्र सिंह बबली जी को दोगे? हाँ जी जरूर, हम देवेंद्र बबली सिंह को ही जिताएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस नु पायो, कांग्रेस नु पावांगे, कांग्रेस नु पावांगे, दे पुत सारे जितया मांगे। एक ती तो मैं तो बाईला कहंदी आंदी थी। एवन हरियाणा के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।